देवास जिले के ग्राम सन्नूर में ससुर पक्ष द्वारा महिला को दहेज के लिए मारपीट कर जान से मारने की नीयत से जहर पिलाने के चलते संपूर्ण खाती समाज ने धरना स्थल मुंडका पुष्कर पर धरना दिया और लक्ष्मी को न्याय दो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के नारे के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर महोदय के नाम नायब तहसीलदार शिवानी तरेटिया को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि श्रीमती लक्ष्मी पटेल निवासी ग्राम अम्मामूलिया की शादी 10 वर्ष पूर्व ग्राम सन्नूर के रहने वाले अश्विन पटेल पिता सुरेश पटेल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। कुछ वर्ष पूर्व लक्ष्मी के माता पिता द्वारा ससुराल पक्ष को 3 लाख भी दे दिए गए थे। वहीं ससुराल पक्ष द्वारा फिर से लक्ष्मी के साथ मारपीट कर 12 लाख रुपए लाने को कहा गया। जब लक्ष्मी ने मना किया तो उसके साथ सुनीता, ससुर सुरेश, जेठ सचेत एवं पति अश्विन ने 27 जून 2022 को मारपीट कर जान से मारने की नीयत से जहर पिला दिया गया। शोर करने पर पड़ोसियों द्वारा मायके वालों को सूचना दी गई। रिश्तेदारों द्वारा महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां उसका उपचार जारी है। वहीं पर मामले में लक्ष्मी की शिकायत पर बरोटा थाना द्वारा सास सुनीता, ससुर सुरेश, जेठ सचिन एवं पति अश्विन पर धारा 307, 328, 323, 498 ए 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर ससुर सुरेश, जेठ सचिन को और पति अश्विन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सास सुनीता को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। संपूर्ण खाती समाज ने मांग की है कि सास की गिरफ्तारी हो और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अन्यथा समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं नायब तहसीलदार शिवानी तरेटिया द्वारा ज्ञापन लेकर समाजजन को आश्वस्त किया गया कि पुलिस की कार्रवाई जारी है और जल्द से जल्द सास की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जहां तक सजा की बात है वह एक महत प्रक्रिया है, पूरी कार्रवाई विधिवत होगी। ज्ञापन दिया है और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो समाज में चंद्रवंशी खाती समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे सारे समाज की बात कर रहा हूं कि नारी का अपमान नहीं होना चाहिए और कोई भी माँ बहन सभी एक समान होती है हमारी। और अत्याचार बहुत ज़्यादा लक्ष्मी के ऊपर हुआ, इसलिए पूरा समाज जन एकत्रित हुआ है और जल्द से जल्द इनका न्याय मिलना चाहिए। ये सन्नोड़ गांव और बच्ची है अम्मामूलिया गांव की, तो क्या घटना हुई है? उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, मारपीट हुई है और वो 3-4 दिन तक तो हॉस्पिटल में कोमा में रही और उससे बोला नहीं गया और उसके बच्चों को भी मारा गया है। हम यही न्याय कलेक्टर साहब से चाहते हैं। अभी आपने ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला है यहाँ से? आश्वासन मिला है हमको कि जल्द से जल्द हम इनको गिरफ्तार करेंगे और इसके बाद में अगर नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे पूरा समाज। दरअसल एक बालिका के साथ इतनी अमानवीय तरीके से मारपीट हुई जो घोर निंदनीय है। कोई भी पुरुष किसी महिला पर इस प्रकार की मारपीट नहीं कर सकता। यह जो घटना देखी बहुत निंदनीय है। एक दहेज के कारण किसी फूल जैसी मासूम बच्चे के साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया जाना, यह धर्म, हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है और हम लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करें। कोई भी हिंदू समाज का बंदा, हमारे हिंदू समाज में महिला को माँ बेटी बहन के रूप में पूजा जाता और बहू के रूप में भी, लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता, लेकिन उसके साथ सिर्फ चंद रुपयों की मांग के कारण जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, जितनी यातनाएं उसको दी गई और उस बहन ने जितना सहा, उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई, वो मौत के मुंह से कैसे बची है। 6 दिन तक आईसीयू में रही, 14 दिन निरंतर अस्पताल में डॉक्टरों के देखरेख में रहने के बाद आज उसकी जान बची, लेकिन आज भी वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। कौन से गांव की घटना है? यह ग्राम सन्नोड़ थाना बरोठा जिला देवास की घटना है। बच्ची इंदौर के अम्बामूलिया ग्राम की निवासी थी और उसकी ससुराल यहाँ सन्नोड़ में हुई थी। 10 वर्ष पूर्व शादी हुई, 2 बच्चे हैं, लेकिन निरंतर शादी के 2 साल बाद से ही परिवार द्वारा दहेज की मांग की जाने लगी। क्योंकि परिवार के मायके वाले थोड़े संपन्न हैं और यह व्यक्ति जो इस बच्ची का पति है, यह दहेज लोभी है और इसने शुरू दिन से ही मांग शुरू कर दी और निरंतर मांग बढ़ती गई। अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है उसमें? उसके ससुर, उसके जेठ और पति की गिरफ्तारी हो चुकी है, सास की गिरफ्तारी होना बाकी है। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? हमको शासन प्रशासन आश्वासन दिया है कि हम 12 घंटे में सास को भी गिरफ्तार करके इनको न्यायालय में पेश कर देंगे, यह आश्वासन दिया है। यह ग्राम सन्नोड़ की घटना है। हमारी बहन है लक्ष्मी पटेल, ग्राम अम्बामूलिया की बच्ची है, ससुराल सन्नोड़ गांव देवास जिले में आता है और उनने कुछ साल पहले, उसकी शादी को 10 साल हो गए, शादी के 3 साल बाद से बच्ची को प्रताड़ित करना चालू कर दिया। बच्ची के पिता ने 3 लाख रुपए की मांग करी पति ने। बच्ची के पिताजी ने बोला कि इस मामले को शांत रखने के लिए पति को घर बुला के 3 लाख रुपए की नगद राशि दे दी कि चल अब मेरी बच्ची को प्रताड़ित मत करना, मारा कूटी मत करना। जिसके बाद में आज 6-7 साल बाद में बच्ची के पति ने
पति ने 12 लाख रुपए की मांग की कि मुझे गाड़ी लाना है, तेरे घर में तेरी जमीन भी की है, तो उनसे पैसे ला, 12 लाख रुपए की मांग करी। जब बच्ची ने मना किया तो उसको इतना मारा सास ससुर और जेठ और पति ने मिलकर, इतने मारने के बाद इतनी बहरे में से मारे, फोटो आपके सामने है। 3 रोज तक बहुत मारा, इतना मारा, आपके सामने फोटो है। और मारने के बाद बच्ची तो उन हरामियों ने जहर पिलाया उसको, वो 7 दिन तक आईसीयू में एडमिट रही, बच्ची बोल नहीं पाई। बच्ची को मारने के बाद ऐसा इंसान हिंदू राष्ट्र में कोई नहीं कर सकता। गाँव की घटना है ये गाँव सन्नौड़ की घटना है। बच्ची को सुई से मुंह पे लगाया। बच्ची का नाम है लक्ष्मी पटेल। उनके पति का नाम अश्विन पटेल। और उनके सास ससुर? सास का नाम सुनीता पटेल, ससुर का नाम सुरेश पटेल। अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 20 दिन हो चुके हैं। सास 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी हुई है, सचिन पटेल की, सुरेश पटेल की और अश्विन पटेल की हुई है। और बच्ची कहाँ है अभी? बच्ची ग्राम अंबा मोलिया में, बच्ची के छोटे छोटे दो बच्चे, एक 1.5 साल का बच्चा है और एक 7 साल की बच्ची है। उनको बच्चे को 1.5 साल के बच्चे को लात से मार के फेंक दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है। MRI मेरे पास है, मैं जो देखना चाहे उसको दिखाना चाहता हूँ। अभी आप कलेक्टर और आपने ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन दिया है वहाँ से? आश्वासन ये दिया कलेक्टर साहब को, हमने बोला है कि 12 घंटे के अंदर अगर हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिला, सास गिरफ्तार नहीं हुई, तो हम धरना देंगे और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। युवाओं ने ये संकल्प लिया है कि आज के बाद मैं राहुल पटेल किसी भी बच्ची पे अत्याचार नहीं होने दूंगा। ये मेरा नंबर है 8882727434। किसी भी मेरी बहन बेटी पे अगर अत्याचार होगा तो ये युवा समाज, चंद्रवंशी खाती समाज पूरा उसके साथ खड़ा है। और डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुरंत निराकरण करवाऊंगा, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, ऐसा भी नहीं करूंगा, तुरंत सब उसी दिन न्याय दिलाऊंगा उस बच्ची को। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।